इस संसार में, इस प्रकृति में तीन गुणों का समावेश है, रजस, तमस और सत। संसार के निर्मित रूप से चलने के लिए इन तीनों का संतुलन अनिवार्य है। कि मेरा त्रिशूल इन तीनों गुणों का प्रतीक है। किंतु पिताजी, राजस, तमस, सत्व गुण कैसे होते हैं, क्या होते हैं? प्रकाश, ऊर्जा, क्रोध, आवेश, गति, परिवर्तन, आकांक्षा, ये सब राजसिक गुणों के उदाहरण हैं। जन्म भी रजस है और बालपन भी रजस है। उसी प्रकार अहंकार, अज्ञानता, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, वृद्ध अवस्था, ये सभी तात्विक गुण के प्रतीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो पुत्र, इन दोनों का संतुलन बनाए रखना इस संसार के कल्याण के लिए अनिवार्य है। किंतु उसके लिए अनिवार्य है इनके समक्ष एक तीसरा गुण होना। उसी लिए उत्पत्ति हुई है सात्विक गुण की, शुद्धता, जगत कल्याण के प्रति समर्पण, पवित्रता, समर्पण, यौवन, परिश्रम, विकास, निरंतरता, सत्य, आत्मविश्वास, उदारता, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि और संसार की सुंदरता, ये सभी सत्व गुण के लक्षण। समझे मेरे पुत्र? ये तो समझ गया, किंतु ये भस्म? मृत्यु के पश्चात देह जलाने से सब कुछ नष्ट नहीं होता, भस्म रह जाती और यही बनती है प्रतीक हमारी आत्मा, जो अनश्वर है, शाश्वत है।